एक भाई पूछते हैं कि इमाम से पहले रुकू और सजदे में जाने का क्या हुक्म है। इमाम से पहले रुकू और सजदे में जाना हराम है, जायज़ नहीं है। इमाम से सबकत नहीं करनी चाहिए। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अमा यख्शा अल्लज़ी यरफ़ु रासहु क़ब्ल अल इमाम अन युहव्विला अल्लाहु रासहु रासा हिमारिन। क्या वो आदमी जो इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला उसके सर को गधे के सर में तब्दील कर दे। तो नहायत सख्त वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई ऐसे इंसान के बारे में जो इमाम से पहले सर उठाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हैं कि इन्नमा जुअलल इमामु लियुतम्मा बिही फला तख्तलिफु अलैह। इमाम इसलिए बनाया गया है कि उसकी ताबेदारी की जाए, उसके साथ इख्तलाफ मत करो। यानी इमाम के साथ में हम अमल करें, इमाम के पीछे पीछे हम अमल करें, बिल्कुल इमाम के साथ भी नहीं। इमाम अल्लाह अकबर कहता है तब हम अल्लाह अकबर कहें, इमाम रुकू में जाता है तब हम रुकू में जाएं, इमाम सजदे में जाता है तब हम सजदे में जाएं, इमाम के पीछे पीछे अमल करना है। इमाम से सबकत जायज़ नहीं है, लिहाजा इमाम से सबकत नहीं करना चाहिए।